मुक्का मार के आ रहा गाड़ी पे यार। नहीं गलत बात है, अगर मुक्का मारा तो गलत बात है, मैंने देखा नहीं। देखो सुनो, मैं नहीं है अभी हम यहाँ पे आए शंकर भगवान की इतनी बड़ी मूर्ति के पास जो जस्ट जो गंगा नदी उसके पीछे ही है, और हम वहाँ से यहाँ पे देखने आए हैं। सुबह से इसका चक्कर काट रहे थे कि इनको देखे पास से, और मम्मी का गेटअप तो देखो कुछ अजीब ही चल रहा है। मम्मी साधु बाबा बन के घूम रही है। हरिद्वार आए है तो ये गेटअप तो करना बनता है। मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग बताना। यहाँ भी माला पहनी, यहाँ पर भी माला पहनी। क्या लेकर आए? बहुत अच्छे से लोग हम लेकर फोटो अच्छी आ रही है। मेरे मोबाइल से आ जाएगा क्योंकि अंधेरा हो गया। जाए खड़ी हुई है मेरे मोबाइल से। हाँ ना अच्छे अच्छे ड्रेसेस सर, यहाँ पे अच्छा लग रहा है सर, स्टैंडर्ड का लेवल का सब लगता है। देखो वाइट वाला ड्रेस कितना सुंदर है, सो हम आ गए ऋषिकेश में। हरिद्वार से निकल गए ऋषिकेश में आ गए। ऋषिकेश का मार्केट हमको बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रहा है, लेवल है यार यहाँ के मार्केट का, लोकल बाज़ार नहीं है ये, सुंदर लग रहा है यहाँ का। आप लोग भी देखो ऋषिकेश का, ये देखो बंदर, बहुत सारे बंदर है भाई यहाँ पर। ये सब थक चुके हैं फिर भी चल रहा है। थकी चकनाचूर, मैं तो अलग ही गेटअप में आई हूँ यहाँ पे सबसे अलग। देखो मैं क्या बनकर आई हूँ, देखो क्या तो साधु बाबा बनकर आई हूँ मैं ऋषिकेश में। रील्स बनाने का सोची थी, अब तो रात हो गई, पता नहीं रील्स मेरी बनेगी कि नहीं बनेगी, कहीं रोशनी दिखेगी तो बना लूँगी एक आधी दिन। लक्ष्मण चौक नाम ही है इसका, लक्ष्मण खिलावा। लक्ष्मण झूला आ गया, आप देख सकते हो लक्ष्मण झूला। यहाँ तो अंधेरा यार, रील्स तो बनेगी नहीं झूला पे। झूला के साइड में रील बना लूंगी मैं, एक आधे रील तो बनानी पड़ेगी। ठंड हो रही है काफी यार, बहुत हद तक ठंड हो रही है। वहां पर मंदिर है त्र्यंबकेश्वर का, लक्ष्मण झूला, लक्ष्मण झूला पर है हम सब। हिल रहा है क्या? नहीं ना, और दोनों तरफ पानी पानी है, बहुत ठंडी हवा बह रही है। मम्मा को जहर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मम्मा का मुलायम गिरेगा तो मम्मा जहर हो जाएगी। मम्मी सैड हो जाएगी, मम्मा सैड हो जाएगी। देखो लक्ष्मण झूला कितना सुंदर दिख रहा है। चाय पकड़ कर रखी है नदी में। ओके बेबी, बहुत दूर है ये। हिला ना, महसूस हुआ ना यार, इधर ये मस्त फोटो आ रहा है। हाँ तो हिलता रहता है भाभी, ये देखिए। अरे हिल रहा है, ए इधर फोटो खींचो ना। इसको पकड़, झूला इसको पकड़ बाबू, हिल रहा है सुंदर। इसमें ऊपर था कौन सा मंदिर है ये? क्या कौन सा मंदिर है? त्र्यंबकेश्वर मंदिर। मेरा भी फोटो खींच दीजिए, फोटो सेशन हो रहा है यहाँ पर। फिर इसके बाद टिंकू का भी खींच देना। हाँ उधर देख, फोटो खींच रहे मामा, फोटो खींच रहे। फोटो सेशन हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि इतना दूर आए और फोटो ना खींचे तो नॉट डन। मामा फोटो खींच रहे। लड्डू, ए लड्डू।
हो गया चलो हो गया चलो बड़ा मजेदार बनाया भैया चाट। एक नंबर चाट बनाया भैया ने। और खाएगी मुन्ना तुम खाई हो और खाओगी? खा ले बहुत अच्छा है टेस्टी है। घूम लिए हम तो लक्ष्मण झूला घूम रहा है लक्ष्मण झूला तभी स्कूल का नाम झूला है क्योंकि झूलता रहता है। मैंने तो महसूस भी किया कि हिल रहा था। बताओ हिल रहा है झूला हिल रहा है। भाभी गिर रही थी मैं नहीं गिर रही थी। छोटे पापा तो भाभी बोलते थे मेरी भाभी बोलते थे। मैंने बोला मैं गिर रही थी। मैं भी गिर रही थी। देखो डांस प्रोग्राम हो रहा है। चलो मैं बहुत जगह पे रॉप वे में गए ऊपर ने चलने नहीं दिया बहुत जगह पे। लेकिन जहाँ रॉप वे नहीं जाता वहां तो चलना ही पड़ेगा। इतना बचा था सुनने आप मतलब आप क्या नाम वो करो ठीक है। मैं आप 50 रुपए का नहीं आप 500 रुपए का आपको हक नहीं है कि आप गाड़ी को मारो। नहीं सही है आपने गाड़ी को मार के गलत किया है। आपको कोई हक नहीं लग रहा है एम्प्लॉय हो आप 50 रुपए लो 500 रुपए लो लेकिन आप हमारी गाड़ी को टच नहीं कर सकते हो। ये बात अभी मैंने 2 मिनट पहले बोली थी कि गाड़ी को आगे ले लो हमारी गाड़ी पर निकलना तो तुम क्या बोले थे ऐसा नहीं होता है। तो हम गाड़ी को आगे ले आपकी गाड़ी का हो चुका है ना ट्रांजेक्शन उनको बोला कि भैया इनकी गाड़ी फंसी हुई है इनका रेड लिस्ट में नाम भी बता रहा है फास्टैग की वजह से आप इनको आगे साइड ले लो हमें गाड़ी निकलने दो। बोलते आपको दिक्कत है आपको लेट हो रहा है ठीक है तो आप गाड़ी आपको बुलाएंगे हम बाद में बुलाएंगे नहीं सर साइड में नहीं लगेगी उस बंदे को बुलाइए उसको बुलाओ क्या दया कर रहे हो दया कर रहे हो सर्विस ले रहे पैसे दे रहे हैं मेरे ऊपर बोल के हम तो आपकी सेवा में लगे हुए हैं। बदतमीजी आप इनका आप इनका रिटर्न कंप्लेन ले लो कि बदतमीजी किया आपकी वजह से कितने लोग रिसीविंग मिलेगा वहाँ से ना खाने से। हाँ खाने से आप इनसे रिटर्न लिखवाओ तो सही है हैंड रिटर्न मैं ये नहीं बोला कि मुझे ये चाहिए हम रिटर्न मेरे से गलती हुई है आई कार्ड मांगने के बाद में आई कार्ड नहीं दिखा पाया आई कार्ड हमारी कंपनी ने नहीं अलाउ किया है नहीं हमारा देखो ये जो है ना परसों कंपनी ने हैंड ओवर किया है जल्दी आई कार्ड नहीं बनते हैं सर बच्चे हैं नहीं मेरे बच्चों को तो और परेशान करवा रहे हैं।
ठीक है भैया कोई बात नहीं, इतना जोर से कांच के मार के गया। हाँ साइड में ले लो, यही तो मैं यही बोला था कि गाड़ी साइड में लगवा लो। वो हमें पीछे नहीं दे रहे, स्लिप कटवा रहे थे तो स्लिप कटने की जो देर थी उन्हें पैसे दिए, उन्होंने कहा स्लिप कटवा लो। कितना टाइम लगा भैया बताओ, 3 मिनट से ऊपर लगा, कितना टाइम लगा, कितना 1 मिनट का सब। चलो भाई हाथ जोड़ रहे हैं, नहीं आप लोग बहुत गलत करते हो भाई, मैं ये वीडियो में लाइव डाल दूंगी, मैं हाथ जोड़ रहा हूं आपको, पता आप लोगों ने बहुत गलत किया है। सबसे बड़ी बात आप लोगों ने हमारी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया। मैम उधर से TB2 से आ, वो भी है ना, मैंने क्या किया है आप लोग, हम इस सोना का पर आए हैं और यहाँ विदाउट आई कार्ड, मतलब जो फेरी वाले होते हैं जो सिंह चना मूंगफली बेचते हैं वो लोग आते हैं गाड़ी को मारते हैं जाते हैं, एम्प्लॉय को आई कार्ड पूछो तो बोलते नहीं है और चले जाते हैं, यहाँ का रूल है। मैडम का अधिकार है बनाने का भाई, ये बता रहे जो बिल्कुल आपकी तो बन रहे हैं कैमरे में, बन रहा कैमरे हम भी बनाएंगे ना सर, नहीं हमारे पास भी तो प्रूफ होना चाहिए, हम बोल रहे हैं कि इन्होंने गलती करी है, गलती करने के बाद इनको बोल रहा हूँ कि आई कार्ड दिखाओ, एक बंदा भी आई कार्ड नहीं दिखाने के लिए। बात ये जो बंदे बोल रहे हैं ना, कितना दारू पियो इनके मुंह से, हाँ बदबू कितनी आ रही है, क्या लगता है आपको, पता नहीं चलता कितना दारू पिए आप लोग, औरत है तो क्या इतना दारू पी के खड़े, दारू पी के आप लोग काम करते हो आधी रात को, तभी तो दिल्ली बदनाम होता है इतना। बात सुन लो, ये आदमी है ना ये डॉक्टर है और मैं वकील हूँ, समझे ना, हम लोग सड़क साफ की और वो क्या बोला था, वो काउंटर पे फोन बैठा था, वो सर आप पढ़े लिखे गवार हो, कौन बोला था काउंटर पे, आप बोले थे, आप बोले थे ये काउंटर पे टिकट काटने कौन बैठा था, सुन लो ये MBBS है, मैं LLB हूँ, समझे ना, पढ़े लिखे गवार हो। मैम हम पहले ही सॉरी बोल रहे, कोई बात नहीं, बोल दिया उन्होंने, हम तो नहीं बोल रहे, ठीक है मुक्का मार के आ रहे गाड़ी पे यार, गलत बात है, अगर मुक्का मारा तो गलत बात है, मैंने देखा नहीं, देखो सुनो गलत बात है, और वो भी एम्प्लॉय नहीं फेरी वाला, मूंगफली वाला था वो, मूंगफली बेचने वाला, बास मारा था मुंह उसका भी, दारू पिया हुआ ऐसे लग गया, तो चलो कोई नहीं, अब वो मत करो, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज भी करो, और फिर उससे दूसरों को भी परेशानी हो रही है, सर, आप हमें परेशानी हो रही थी, बिल्कुल आपकी परेशानी जायज, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा ना आप जैसे फैमिली वाले पीछे भी हैं, बिल्कुल थोड़ा कूल माइंड रखो, कोई सर बिल्कुल कूल माइंड से मैं बात करने आया था, नियम तक नहीं पता है, मैं कह रहा हूं साइड में लगा लो, फिर सुनो साइड में लगा लो, सर साइड में लगाने की बात नहीं, तो जाके किसानों को बोलिए ना कि साइड में बैठ जाते, अरे वो तो फिर